Hello everyone, you are listening to The Voice. I am Harsh Nayak. Let's start the new edition of The Voice on Asset Attack. We would like our listeners to hear the asset attack incident happened with Miss Neetu and Miss Rupa, now working at She Heroes, reported by Stuti Bafna. तो नमस्कार, मैं स्तुति बाफना बोल रही हूँ द वॉइस से. मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या कहानी रही इस एसिड अटैक के पीछे. मैम, एसिड अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था. मतलब वो जलती थी मुझसे, मुझे बचपन से ही मारना चाहती थी. जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो जब मेरी मम्मी रियल जो मम्मी थी उनकी वो एक्सपायर हो गई थी. उसके बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली. तो जब हम बड़े हुए तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि सब कुछ इनका हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा. तो उन्होंने सभी से, पता नहीं उनके मन में क्या था, तो उन्होंने सोचा इन बच्चे को मार दो, इनको सब कुछ मिलेगा. तब तभी से वो मारने के पीछे लगी. अच्छा, और मैम अब आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रही हैं? मतलब अभी तो मैं सीरोज हैंग आउट कैफे में जॉब करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है, मैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो पाई. और मतलब मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे खासकर मेरे अंकल ने मुझे सपोर्ट किया. मैं आज उन्हीं की वजह से मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पाई हूँ और मैं अपनी लाइफ को दोबारा से जी रही हूँ. जी मैम, मेरा नाम नीतू है, मैं आगरा से हूँ. और मेरे ऊपर ढाई तीन साल की रही थी, मतलब पूरी तीन की नहीं थी, ढाई साल की रही थी. मैं एक मेरी बहन थी डेढ़ साल की और मेरी मम्मी भी थी, हम तीनों लोगों को अटैक हुआ था. और अटैक मेरे पापा ने किया था. रीजन ये था कि जो मेरे पापा के फैमिली वाले थे वो बेटा चाहते थे, हम तीन बहन थे उस टाइम पर. तो जो मेरे पापा के फैमिली वाले थे, चाचा ताऊ वगैरह, उन्होंने बोला कि आपके पास बेटा तो नहीं है, बेटी बेटी इनको कहाँ तक पढ़ाओगे लिखाओगे, इनकी जिम्मेदारी परवरिश कैसे कर पाओगे, और इनके ऊपर तुम जिसकी जाब डाल दो, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे. शादी कर देंगे तो नए शुरुआत से तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी, तुम्हारे बेटा वगैरह भी होंगे. ये रीजन था मेरा. अच्छा, तो मैम अब आप जब एक फाइटर बन चुकी हैं, एसिड अटैक फाइटर, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रही हैं? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में, मतलब जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पर अटैक नहीं होता और अटैक हो गया है, तो मतलब मैं फर्क नहीं समझती हूँ. जो जिंदगी में पहले जीती उसी तरीके से जिंदगी में आज जी रही हूँ. क्योंकि मुझे आज तक मतलब इस बात का मतलब वो नहीं हुआ है सर, क्योंकि अटैक केवल मतलब चेहरे पे तो हुआ है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ कि ठीक है, मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, क्या करना है. अब मैं पीछे जाके करूंगी क्या, क्योंकि पीछे जाने में तो कुछ फायदा नहीं है. आगे लाइफ बढ़ रही है, उम्र बढ़ेगी तो आगे भी तो कुछ करना है. हेडलाइंस फॉर द डे आर: एसेट अटैक पनिशमेंट लीड्स टू लाइफटाइम इम्प्रिजनमेंट, नो बेल सिस्टम इन एसेट अटैक केसेस, Police has their duty before and after the asset attack. India has the highest incidence of asset attack in the world. Sunglasses could help protecting your eyes while asset attack incident happens. Girls and boys should choose their partners wisely. Washing the face is the immediate action that doctors take for the asset attack victims. Now let's hear the news in details. Let's hear the laws about asset attack from the Faculty of Law Department, Mr. Abhas, Assistant Professor, reported by Neha Sharma. Okay, my first question is, what is the minimum punishment for the offense of asset attack? The minimum punishment prescribed is 10 years of rigorous imprisonment, and this punishment may extend to imprisonment for life also, depending upon the nature and methodology in which you have caused the asset attack. Which section defines acid attack? See, section 326A of IPC defines acid attack. Initially, acid attack was not a distinct offense. After amendment in criminal law 2013, this was made as a separate offense due to growing incidents of acid attack in India. Acid attack on women is a black mark on the country, said by Natwar Lal Sharma, additional SP of Rajasthan, reported by Stuti Bafna. सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस का कितना रोल होता है जब उनके पास एक एसिड अटैक का केस आता है? हमारे देश में एसिड अटैक की बहुत सी घटनाएं हुई है. पहले ये घटनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल जज्बात में, जुनून में आज के युवा जो हैं अक्सर इस तरह की घटनाएं कर देते हैं. तो इसके दो पहलू हैं. एक तो ये है कि ऐसी घटना होने के पहले पुलिस को प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए. दूसरा,
जब एसिड अटैक हो जाता है तो उसके लिए डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। तो जिस तरह ये घटनाएं कभी भी अगर हो और पुलिस का जब डिटेक्शन तो अक्सर हो ही जाता है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि किसकी क्या रंजिश है क्या है इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हो जाता है। 300 रिपोर्टेड एसिड अटैक हैपेंस ईच ईयर इन इंडिया। नाउ आवर रिपोर्टर अंजलि मल्होत्रा विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। India has the highest incidence of acid attacks in the world. Tanya Singh, the CEO of Make Love Not Scars organization, rightly says that acid is a weapon in India, like guns are in America, both sold over the counter. India's National Crimes Record Bureau disturbingly recorded 283 reported acid attacks, with 307 casualties in the year 2015. An estimate of 300 acid attacks are reported in India each year. The survivor advocates deem this number to a close 1,000 every year, as most cases go unreported. Of the reported cases, in at least 40% of them, the attackers remain absconding. It is no less than a failure on the part of India to her daughters. One need to be more aware of someone holding cup or bottle on the roads. Reported by Jay Data and Sakshi Singh. There is not much you can do to protect yourself from someone throwing acid. But what you can do is to try to prevent it from happening. Always be aware of people around you, especially if they're holding a cup or a bottle. Don't go out alone. Always try to go out with a friend or a group of friends, since most attackers will probably want to attack a person when they're alone. Keep in mind of any people who may be angry or upset with you. You should just be aware of this, because most acid attackers throw acid on someone they know. Always carry a bottle of water with you, because water is essential to help minimize the dangerous effects of acid to the skin. Besides carrying water, purchase large sunglasses that can cover your eyes immediately. Not only can large sunglasses protect your eyes from UV sun rays, they can also minimize eye damage from an acid attack. Section 326 is the Indian Penal Code for acid attack, said by Advocate Abdul Rashid, reported by Shreya Jain. देखिए, डिपेंड करता है उससे कितनी चोट आई है। अच्छा, 326 तो है ही, जैसे अंग भंग हो गया। हाँ। इस तरह से देखिए, ये जो अटैक अटैक होते हैं, हाँ, उसमें इतनी इजी वे में बेल नहीं मिलती, और डिपेंड करता है चोट कितनी आई, क्या परिस्थिति आई, क्या बात है। अच्छा, हाँ, तो मतलब बेल इसमें इजी वे में नहीं मिलती। अगर कोई इंटेंशनली किसी के ऊपर अटैक करा है किसी ने, तो इसको इतनी इजी वे में बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक तरह से अभिशाप के रूप में माना जाता है कि आप किसी का अंग भंग कर दो, किसी का चेहरा विकृत कर दो, शरीर का कोई पार्ट बिल्कुल ही खराब हो जाता है, उस समाज में हीन भावना का भी शिकार हो सकता है। अच्छा, और पूरी लाइफ उसकी खराब होती है। गर्ल्स नीड टू बी मोर अवेयर एंड लर्न सेल्फ डिफेंस, सेड बाय मनोज मोरे, रिपोर्टर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, रिपोर्टेड बाय स्तुति बाफना। लड़कियों को आजकल है ना सेल्फ डिफेंस, यू नो, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिफेंस के जो कराटे जो जूडो है वो चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां बोलती कि हमें हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कॉलेज जाना है, शाम को आते हैं सुबह जाते, इस तरह से अगर बोलती, तो आप घर में आपकी एक्सरसाइज करिए, आप वेट ट्रेनिंग करिए। जरूरी है कि यू नो अपने आप में स्ट्रेंथ आए, ना कि छुई मुई से डरे भाग जाए। तो मैं मेरा सजेशन, मैं हमें हर जगह यही सजेशन देना चाहता हूँ लड़कियों को, ज्यादातर या कोई भी औरत हो, यू नो किसी भी एज में जो प्यार में यू नो दे फॉल इन लव, कि लड़कों का नेचर, आदमी का नेचर बहुत समझना जरूरी है। जो आदमी डिस्कशन करने के लिए तैयार है किसी भी टॉपिक पे, जिसका मेंटल होराइजन बहुत ब्रॉड हो, जो न्यूज चैनल देखता हो, न्यूज चैनल देखना बहुत जरूरी है, जो पेपर पढ़ता है, जो डिस्कशन करना है ना किसी भी टॉपिक पे, एनी अंडर यू नो जैसे बोलते हैं ना कि टॉपिक अंडर द सन, एनी टॉपिक अंडर द सन यू शुड बी रेडी टू डिस्कस, ऐसा जो बंदा होता है ना, वो मिडल पाथ वाला बंदा होता है, वो बैलेंस होता है। तो ऐसे बंदे को मुझे ऐसा लगता है कि ना चूज करे। After washing, antibiotics are used for preventing infection, said by Dr. Abhay Loon, reported by Stuti Bafna. When a acid attack patient comes to your hospital, how do you treat them? The first thing is you have to put in lots of, you have to wash that acid down so that it doesn't destroy the tissues. So for eye purpose, you have to give a thorough wash to the eye with the cold water, so that the acid is diluted and the damage to the tissues, to the eye, is lesser. So the washing, immediate washing is very important.
After washing, what is your process? How do you treat the patient? So if in the case of, if it is an eye injury, we put some antibiotics. So we want to prevent infection from occurring in that the wound. And all over the face also we apply antibiotics so that we prevent those infection from occurring. That is the second main part, prevention of infection. Credits: News Editor, Mr. Shailendra Pratap Singh Bharti. Associate News Editor, Pandit Amandeep. Coordinator and Program Manager, Stuti Bafna. I hope you like the 62nd edition of The Voice. We will be back with new edition soon. Till that, keep listening.